well? Asuraj! 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 वहीं रुक जाओ कटकासुर, जिस विघ्नासुर से तीनों लोग डरते हैं उस विघ्नासुर का सिपाही किसके भय से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है? असुरराज, ये भय नहीं है, ये क्रोध है। महर्षि अर्जुन ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, वो पूरा हवन कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे? कानासुर, सिंहासुर, साज। तुम दोनों भाई इसी समय महर्षि अर्जुन के आश्रम में जाओ और उन्हें ऐसे मृत्यु दो जिसके उपरांत तीनों लोगों में हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। जो आज्ञा सुराज। जो मेरे असुरों की ऐसी हालत करे। असुरराज, आप आज्ञा दें तो इसी समय महर्षि अर्जुन का सर काट के आपके पैरों में चढ़ावा चढ़ा देता हूँ। नहीं टनकासुर, मेरे सेनापतियों को मारकर उस महर्षि ने मुझे चुनौती दी है जिसे मुझे ही स्वीकार करना होगा। जैसी असुरराज की इच्छा, किंतु इन दोनों की दशा देखकर मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। असुरराज, हो सकता है कि क्षमा। असुरराज, क्षमा की आवश्यकता नहीं है टनकासुर, हमारे अस्त्र शास्त्र तैयार करवाइए। पता नहीं कौन सा बवंडर है ये जिसने ये लीजिए। अरे बस 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 कीजिए पार्वती, और कितना खिलाएंगे आप? क्या आपको मेरे हाथ की रसोई अच्छी नहीं लगती? आप जैसी रसोई तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता पार्वती। पता नहीं ये बाल गणेश अब तक क्यों नहीं आया, आज तो ढेर सारे मोदक बनाए हैं मैंने उसके लिए। उन्हें आने में अभी समय है पार्वती। अर्थात? अर्थात आपके पुत्र को हमने मानवता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है, उसे कहीं कुछ हो गया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। पार्वती, आपके पुत्र बाल गणेश सृष्टि का आरंभ है, उन्हें कुछ होने का अर्थ यानी सृष्टि का अंत। अर्थात? आप अर्थात बहुत पूछती हैं पार्वती। वो ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय। धूर्त महर्षि, यदि जीवन प्रिय है तो रोक दे इस हवन को, अन्यथा इस आश्रम के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धूल में मिला दूंगा।
ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। बग्गम? प्रभु, अग्गम बोल रहा है कि समस्या गंभीर होती जा रही है, आपको महर्षि की रक्षा हेतु जाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर फल खाओ बग्गम, इतने स्वादिष्ट फल छोड़कर कोई मूर्ख ही जाएगा यहाँ से। ओम भूर्भुवः स्वाहा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा रोक दो यह हवन। महर्षि, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। आदरणीय ऋषि जन और शिष्यों, आप इस हवन को बंद ना होने देना। जो आज्ञा महर्षि। ओम भूर्भुवः स्वाहा। महर्षि, हवन को बंद किए बिना मेरे पास आने का अर्थ समझते हो? मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है असुरराज, किंतु यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ और भविष्य में यहाँ मुड़कर भी मत देखना। ऐसा कहकर तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। महर्षि, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुप जाओ असुरराज। हाँ, तुम कौन हो बालक और यह सब कौन है? तुम कैसे असुरराज हो विघ्नासुर, जो बाल गणेश के बारे में नहीं जानते? ये महापराक्रमी बाल गणेश हैं और हम इनके सखा। ये अग्गम, ये बग्गम, ये नंदी और मैं, प्रभु के प्रिय वाहन मूषक राज। मूषक हो या विदूषक, जीवित रहना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ की गोद में छुप जाओ। असुर राज, इस प्रकार की अभद्र भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। अपनी शक्तियों को समाज कल्याण में लगाइए। क्यों व्यर्थ हत्याएं करते रहते हो? मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा बालक। कौन है यहाँ जो मुझे रोकेगा? मैं तुम्हें रोकूंगा विघ्नासुर, मैं तुम्हारी बुराई का विनाश करूंगा। धरती से अभी छटाक भर बाहर नहीं निकले हो बाल गणेश, और असुर राज को मारने की बात करते हो? यदि है बल तुम्हारी बाजुओं में तो आओ, मारो मुझे, मारो। अब इसका क्या होगा? क्यों क्यों क्या हुआ? होना क्या है असुर राज, तुम गए काम से। असुर राज, जब कभी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगा तो मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तथास्तु। अभी भी समय है विघ्नासुर, यदि तुम अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाने का वचन दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मायावी बालक, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो तुझे तेरे परिवार सहित इसी स्थान पर जीवित काट दूंगा। बड़े तो हो गए हो तुम असुरराज, पर बुद्धि नहीं आई। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है विघ्नासुर। नहीं। विघ्नासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बाल गणेश। आज से आप विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाएंगे। विघ्नहर्ता बाल गणेश की जय। महर्षि, ये जय तो ठीक है,
किंतु यदि आपके आश्रम में खाने को मोदक है तो कृपया जल्दी से ले आइए, बहुत भूख लगी है। प्रभु हमारी बहुत हंसी ठिठोली कर रहे हैं, इस बार तो हम इन्हें पकड़ के ही रहेंगे। ओहो, तो चक्रव्यूह रचा गया है। अरे देव हमें छुपकर क्यों देख रहे हैं? पकड़ लिया मूषक, पकड़ो। मैं फिर बच गया। मूषक, तुम्हारी वजह से हम हमेशा हारते हैं। क्षमा करो नंदी, परंतु मेरा ध्यान भटकने के पीछे एक कारण है। क्या कारण? वो मैंने उस तरफ पेड़ के पीछे कार्तिकेय देव को देखा, वो हमें छुपकर देख रहे थे, है ना जी बात? तुम्हारे ये बहाने काम नहीं आएंगे मूषक राज, जब तक तुम सब मुझे पकड़ नहीं लेते मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो पकड़ो, पकड़ो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब अगर तुमने प्रभु को नहीं पकड़ा तो तुम्हें पेड़ पर उल्टा लटका कर नीचे आग लगा दूंगा। पेड़ पर उल्टा नीचे आग? नहीं नहीं, मैं पकड़ूंगा उन्हें। पकड़ो। पकड़ लिया, मैंने प्रभु को पकड़ लिया, अब मैं पेड़ पर उल्टा नहीं लटकूंगा। खेल कूद बहुत हुआ, अब जल्दी से नहा लो, माँ ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। गणेश, हुँ? ये सब क्या है? हम खेल रहे थे माँ, अभी नहा लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ माँ, आप उदास हैं? अब तुमसे मैं क्या छुपाऊँ गणेश, युद्ध से वापस आने पर कार्तिकेय हमेशा सबसे पहले मेरे गले लगता था, मेरे हाथ के बनाए मोदक खाता था, किंतु इस बार हंसासुर को मारकर वापस आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कार्तिकेय देव को देखा है। वो आपसे नहीं मिले, मुझसे नहीं मिले, इसका क्या कारण हो सकता है माँ? कदाचित वो थका हुआ होगा। वंशज दुनिया जीतने के बाद भी शिव और उनके परिवार से हार जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है हंसासुर, जो सर्वशक्तिशाली है, जब तक वो हमारे पास है कोई हमसे नहीं जीत सकता। भैया, देखा तुम सबने, मैंने कहा था ना, कार्तिकेय आ गया है। अब और कितनी बार ये बात दोहराओगे मूषक? एक बार और। अपनी खिखी बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं थक गया हूँ, विश्राम चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप विश्राम कीजिए, हम जाते हैं। इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चले, मुझे वो सर्वशक्तिशाली चीज हासिल करना ही होगा। तुम सबको वही लगा जो मुझे लगा? हाँ, देव कार्तिकेय बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह होगी प्रभु? अरे प्रभु कहाँ रह गए? आप रुक क्यों गए प्रभु?
नंदी महाराज, ये माँ के सोने का समय है। हमारे खेल के शोर से माँ की नींद में बाधा होगी, इसलिए आज हम भी सोएंगे। सब सोने जा रहे हैं, यही मौका है। सब अपने अपने कान इधर लाओ। जैसे आप कहें प्रभु। चलो चलो छुपते हैं। सर्वशक्तिशाली चीज मेरा हाथ लग जाए, बस सबको मसल के रख दूंगा। लेकिन उसे ढूंढू कहाँ? भाई हाँ? आप इसे ढूंढ रहे हैं ना? तुम यहाँ? तुम तो सो रहे थे ना? आपको कैसे पता चला भैया? मैंने तुम्हें इन सबको कहते हुए सुन लिया था। चोरी छुपे किसी की बातें सुनना पाप होता है भैया। वैसे आप इसे ढूंढ रहे थे ना? ये वही मोदक है भैया, जिसमें माँ ने वो सर्वशक्तिशाली चीज डाली है, जिसे खाने के बाद हमें युद्ध का अभ्यास करना है। सर्वशक्तिशाली चीज? अरे हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था। मैं युद्ध अभ्यास के लिए तैयार हूँ गणेश। कहने को तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ गणेश, किंतु तुम मुझे हराओ तो जानू। आपकी यही इच्छा है भैया तो ये अवश्य पूरी होगी। तथास्तु। छोटे भैया आप इधर हैं? तो ये कौन है? ये कैसा सवाल है छोटे? वो नकली है। नहीं मैं असली हूँ। नहीं मैं असली हूँ, तू मायावी है। मैं असली हूँ, तू मायावी है। हंसासुर को कौन मारने गया था? मैं गया था और उसे मार भी दिया। बग्गम, तनिक अनुवाद करके बताइए तो ये क्या कह रहा है? प्रभु ये कह रहा है, ऐसे तो असली नकली का अंतर करना असंभव है। असंभव शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है अग्गम, इसका हल है मेरे पास। आप दोनों भाइयों को आपस में लड़ना होगा, जो जीतेगा वही असली कार्तिकीय भाई होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। आरंभ कीजिए। गणेश ये क्या देख रही हूँ मैं? दो दो कार्तिकेय? मेरे असली कार्तिकेय को चोट लग गई तो? रोको इन्हें। अपनी ममता को विचलित ना होने दे माँ, आप जानती है भैया को कुछ नहीं होगा। शंकासुर, बता तुमने मेरा रूप क्यों धरा? जब तुम सर्वशक्तिशाली चीज के बारे में पिताजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। मैं उसे ही चुराने आया था। तुम्हें मल्युत करते हुए देखा तो तुम्हारा रूप धरकर यहाँ आ गया, किंतु मैं सर्वशक्तिशाली चीज ग्रहण कर चुका हूँ, फिर तुम मुझसे कैसे जीत गए? सर्वशक्तिशाली चीज? मैं तो लोगों के विश्वास, उनके तप और मानवता की बात कर रहा था शंकासुर। जब तक ये सब मेरे परिवार के साथ है, हमें कोई बुराई हरा नहीं सकती। किंतु तुमने क्या खाया? इसने झूठ खाया है भैया। हाँ? मुझे इसके छल का पता पहले ही लग गया था भैया, इसलिए मैंने सर्वशक्तिशाली चीज मोदक में है ये कहकर खिला दी। छल? शंकासुर से छल? आप रुक जाइए भैया,
अब मेरी बारी है। अब असली तारे भी देख ले। माँ, तुम जैसे पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गई। माँ, आपके मोदक तो शंखासुर खा गया ना? अब क्या हमें भूखे रहना पड़ेगा? गणेश, माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। अभी मोदक बना के खिला दूंगी। गुस्सा दिला रहा है, तुझे पता है ना, अगर उसे गुस्सा आ गया तो। शांत हो जाओ नंदी, शांत। आज बड़ा मजा आया। चलो अब नहाते हैं। परंतु प्रभु, तालाब का पानी तो ठंडा होगा ना? तो क्या हुआ, ठंडे पानी में तो और भी मजा आएगा। परंतु मैं तो एकदम साफ हूँ। अगम, बिल्कुल सही। अब तो मूषक महाराज को नहाना ही पड़ेगा। प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? प्रभु, मूषक को तैरना नहीं आता ना, इसीलिए यहाँ से निकलने की युक्ति ढूंढ रहा है। प्रभु, मत्स्यासुर, बालगणेश। Ah!
कैलाश पर्वत की पवित्र नदी है। इसे दूषित करके तूने घोर अपराध किया है। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बालक, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझ में कितनी असीम शक्तियाँ हैं। मैं तो तुम्हें एक पल में ही मार सकता हूँ। मैं यहाँ से जाने को नहीं, परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा होता। अरे बालक, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। मूषक, तुम्हारे जैसा मित्र और बाल गणेश के खास चहीते को शत शत प्रणाम। ये जानते हुए कि तुम्हें तैरना नहीं आता, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए तुमने पानी में छलांग लगाई। चिंता मत करो मूषक। परंतु माँ, आपने उसे नहीं देखा, वो राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा, तो क्या हमारा गणेश कम है? वो भी तो शक्तिशाली है। पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था।